الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من زار آل من فق أن مزارني صدق الله مولانا عظيم وصدق رسولنا آمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات आइए कुछ देर सिर्फ आपसे गुफ्तगू करके हाजिरी की नियत लेते हुए बस मैं भी आपके सामने कुछ बातें मैं रख दूं। उससे कुछ सुनाने से पहले आइए हम और आप आकाई नामदार मदीनी ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए बुलंद आवाज से اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد بارك सल्लम व सलातु व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, बहुत खुशी की बात है कि आपके गांव में रहने वाला वो बच्चा जिसे आप तरह तरह के लोग एक बच्चे के नाम से पुकारते थे कि इधर आओ उधर जाओ ये काम करो वो काम करो, बस मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, सिर्फ दो या पाँच मिनट में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा, मगर जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ उसे दिल की तख्ती से आप जरूर सुने और उस बात को जरूर याद रखें। मोहतरम हजरात, आप पचपना आप देखें तो वही बच्चा जब छोटा में आप देखते हैं, वही बच्चा जब बुलंदियों में जाता है, जब उसका उम्र ज्यादा हो जाता है तो वही बच्चा कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई कोई तरह तरह के अपने अपने कामों में लग जाता है, कोई ड्राइवर बनता है, मगर जो गली में बच्चा घूमता है वही बच्चा जब आलिम दीन जब बन जाता है, जब हाफिज़े कुरान बन जाता है, जब वही बच्चा आलिमों के बीच में सब में बैठने वाला बन जाता है तो उसका बाप का जब वो बाप अपने निगाहों में निगाहों से देखता है, जब वही बच्चा अशरफिया के मदरसे से जब आता है अपने उसके घर वाले जब अपनी निगाहों से देखता है तो उसके घर वालों से घर वालों से जरा पूछे तो उसका घर वाले यही कहेंगे कि अब मैंने अपने अपने जिंदगी में मैंने बहुत सारे पैसा कमाया, बहुत सारे दौलत जमा किए, मगर आज जितनी खुशी है और चीजों के खुशी नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब कोई बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है, जब कोई बच्चा आलिम दीन बनता है, जब दस्तार बंदी लेकर आता है, जब उसके घर वाले देखते हैं, उसके मोहल्ले वाले देखते हैं, उसके बाद चारों तरफ देखते हैं, तो लोग उसके दिल में यही एक आरजू यही एक ख्याल आता है कि इस बच्चे ने जो करके दिखाया है, हदीस पाक में है, नबी फरमाते हैं मन सारा आलिम फकान नमाज़ारानी, नबी फरमाते हैं किसी आलिम के ज़ियारत किया लो या उसने मुझे ज़ियारत किया, नबी फरमाते हैं मन सफा आलिम फकान नमाज़ारानी, जिसने किसी आलिम से मुसफा किया लो या उसने मुझसे मुसफा किया, आलिम का मर्तबा नबी फरमाते हैं मन जलासनी अजलासहुल्लाहु यौमल क़ियामती फिल जन्नती, और जो मेरे मजलिस में बैठे अल्लाह ताला उसको बरोज़ क़ियामत में जन्नत में बैठाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब आप दुनिया से चले जाएंगे, जब कल क़ियामत के दिन मैदान महशर में आपसे सवाल किया जाएगा कि बताओ तूने दुनिया से क्या लाया है, इसके भाई से पूछा जाएगा कि बताओ तूने दुनिया से क्या लाया है, तो उसका घर वाले उसके इसका भाई कहेगा कि मैं तो दुनिया में बहुत सारा दौलत कमाए, मैंने दुनिया में बहुत सारे काम किए, मैंने दुनिया में घर मकान बनाए, जवाब क्या तुम्हें नमाज तो पढ़ा नहीं हो, ज़कात तो मैं ज्यादा दिया नहीं हो, जवाब क्या मैं दूं, अल्लाह अल्लाह बंदा खामोश हो जाएगा। कल कयामत के दिन सारे लोग परेशान रहेंगे, एक एक नेकी के लिए तरस जाएंगे, जब इसके घर वाले से पूछा जाए बताओ कि क्या दुनिया से क्या लाए हो, सारे लोगों को जबान बंद हो जाए, इसलिए कि वो दुनिया से क्या लेकर जाएगा, उतना तो नेक नहीं है, परहेजगारी नहीं है, उतना तो तकवा नहीं है, जवाब क्या देगा कयामत के दिन अल्लाह अल्लाह, जब इनके आपके बाप को जान से जब इनके बाप से पूछा जाएगा कि बताओ तूने तुम्हारा अपने दुनिया से क्या लाए हो, बताओ तुम्हारे पास दौलत तुम्हारे पास सब कुछ था, बताओ तूने दुनिया से क्या लाया है, सारे खानदान वाले उसका खामोश रहेंगे, सारे रिश्तेदार वाले खामोश रहेंगे, सारे इनके बच्चे लोग खामोश रहेंगे, ये मौलाना की नमाज खड़े होकर यही कहेगा ए मेरे परवरदिगार, ये मेरे बाप जो है, ये जो मेरे भाई जो है, मेरे रिश्तेदार जो है, सारे लोगों ने मेरे लिए कुछ रुपया दे दिया,
आता था, बस 5 रुपया देकर मुझे भेजते थे। ए मेरे परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने दुनिया में मैं जब था, इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से मैंने एक आलिम दीन बनकर मैं अपने दुनिया में अपनी जिंदगी में दीन की खिदमत किया है। इसीलिए ऐसे दिल मौलाना दिल नवाज सब कहेगा, अर्ज करेगा परवरदिगार से, परवरदिगार वो जो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों इसके तरह तमाम खानदानों को, इसके रिश्तेदार को, इसको जो जो इससे मोहब्बत करता था, उन लोगों को तमाम गुनाहों को माफ करके सबको मैं सबको जन्नत में आला सा कलम मकान अता दे। ये है मौलाना का, ये आलिम का मर्तबा। इसीलिए ये गुजारिश है, ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं और गुफ्तगू में करता, कभी मौका मिलेगा फिर आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा। मगर ये जहन में ये बात रख लीजिए कि अपने बच्चों को, अपने बच्चों को कुछ ना कर सके तो कम से कम कुरान की तालीम दीजिए, इल्म दीन हासिल कराइए। इसलिए का इसलिए के नबी फरमाते हैं, लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नतुल इल्म, हर चीज का एक रास्ता है, जन्नत का रास्ता इल्म है। नबी फरमाते हैं अल उलमा व वरासतुल अंबिया, अंबिया कराम के वारिस है। इसीलिए कुछ होना हो कम से कम अपने बच्चों को, अपने बच्चों को जहां तक हो सके अपने बच्चों को तालीम दीजिए और हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए और अपनी जिंदगी बनाइए, आखिरत संवारिए। इतने चंद गुफ्तगू में अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ और सब मिलकर कलमाए ये पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।